गुड मॉर्निंग जी, आज बनाने लगी गोभी का पराठा। सोचा चलो आपको दिखा दूं, खाने वही होते हैं, सब लोग वही खाते हैं अपने घरों में, हर सब लोग वही खाने खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। बट हम जो वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों से इतना कनेक्ट हो जाते हैं, वही चीजों को रिपीट रिपीट बहुत बार दिखा देते हैं, उसमें भी मजा आता है। क्योंकि मेरे वीडियो का तो मतलब यही है, जो मैं खाती हूँ वही दिखाती हूँ, डेली जो हमारे घर पे बनता है वही। आज बना है गोभी का पराठे। देखो जी, मैंने इसमें अजवाइन डाली है, अदरक डाला है, हरी मिर्ची डाली है, गोभी को बारीक का कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस नहीं मशीन में किया, और नमक डाला और धनिया डाला। अभी बनाऊंगी मैं पराठा। देखो जी कैसे बनता है मेरे हाथ का गोभी का पराठा। कितना डो लेंगे और चलो बनना का साथ में लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे और झटपट फटाफट बनेगा लवली किचन के हाथ का गोभी का पराठा। इसमें लगा लीजिए, चाहिए तो थोड़ा सा घी लगा लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं लगा बीच में, और इसको हाथ में लेंगे। इधर दिखाओ, यहाँ पर देखो मैंने हाथ में ले ली रोटी, और जितना ही मटेरियल डालना आपको, ज्यादा ही मैं डालती हूँ, देखो जी भर के डालना है, और उसको हाथ से प्रेस कर लेना है, और गुदगुदा पराठा बनता है एकदम सुंदर वाला। हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लें, क्योंकि गोभी का पराठा बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि गोभी झटके से बाहर आ जाती है। मेरे से तो खैर कोई भी पराठे सब बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं। आजकल सिखाने के चक्कर में कल्पना को सिखाओ, बहू को सिखाओ, इन लोगों को सिखाओ, इनके सिखाने के चक्कर में मैं कम बनाती हूँ, बट गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग गोभी के पराठे खाया करो। देखो जी रोटी की जैसे एकदम बन गया गोल, और थोड़ा सा अगर सेटिंग बिगड़ जाए तो यहाँ से हाथ से सेट कर लीजिए, और यहाँ पे डालेंगे हम इसको तवे के ऊपर गर्मा गर्म, तवे को एकदम गर्म रखना है। मैं जब हाथ दोनों फिर इसको सेट करती हूँ ना, तवा गर्म होगा तो झट से पलटी हो जाएगा, अगर थोड़ा ठंडा होगा तो नहीं होता। गैस चालू है ना, मैं भूल भी जाती हूँ, गैस को बंद कर देती कभी कभी, और कभी भी पराठों को हमेशा मैं बनाती हूँ घी में मत ऊपर डालिए, तेल से करिए। जो भी आप तेल खाते हैं ना, कई लोग घी का भी करते हैं, लेकिन घी वो जलने लगता है, घी वेस्ट होता है, इसीलिए जो अच्छी चीज है उसको वेस्ट नहीं करना, थोड़े से तेल में इसको हम लोग करेंगे। ये मेरा सफोला तेल है, राइस ब्रांड, थोड़ा सा साइड में भी डाल देंगे। पराठे जरूर खाइए, जरूर खाइए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाने, एक खाइए और हफ्ते के बाद खाइए, मना नहीं है बिल्कुल, कोई भी चीज़ खाने को मना नहीं है, हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा खाएंगे अभी ये पराठे तेल वाले घी वाले डेली खाएंगे तो नुकसान होता है, इसके लिए हमको हफ्ते में एक बार खाना है। आज मैं भी खाऊंगी जी। देखो जी बन गया सुंदर वाला पराठा, अभी इसको निकालेंगे प्लेट में, कल्पना वो निकाल मलाई का डब्बा, अभी इसमें आज लगाऊंगी मैं ताजी वाली फ्रेश वाली मलाई, आप मक्खन भी निकाल सकते हो उसका, लेकिन मैं फ्रेश मलाई ही लगा देती हूँ। देखो जी आ गया प्लेट में गर्मा गर्म, इसको चम्मच से ऐसा जरूर मारना, और अभी इसमें लगाएंगे जी ताजी वाली मलाई, जो घर की फ्रेश वाली मलाई। आ जाओ जी कैमरामैन, पराठा दिखाओ, मेन लवली किचन का मत दिखाओ, पराठा दिखाओ सुंदर। देखो जी घर की फ्रेश वाली मलाई, ये आपको मुंह में पानी आने लगता है। देखो जी ये गर्मा गर्म खाना आपको, ऐसे भर के एक पराठा खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सेहत हो जाएगी टनाटन, क्योंकि जब घर की मलाई मक्खन खाते हो तो हम खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं। हंसते हंसते बनाइए और खाइए, और मेरे जैसे गोभी के पराठे घी मक्खन लगा के खा लीजिए, लेकिन एक खाइए और हफ्ते में एक बार खाइए। चलो जी मैं खाती हूँ, थैंक यू, बाय बाय।